एक मकान मालिक बन गए अपनी किराएदार को कातिल, एक महिला अपने मकान मालिक से अपनी इज्जत बचात बचात लड़ गई और आखिरकार उखो अपनी जिंदगी दांव पर लगाने पड़ी। पति और बच्चों के संग कानपुर देहात छोड़ के जालौन जिला के उरई नगर क्षेत्र में किराए के मकान में रहने आई थी महिला और मकान मालिक की शराब के नशा में ऊपर पड़ गई बुरी नज़र और इसके बाद जब उन्हें विरोध करे तो मकान मालिक ने उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने आनन फानन में 24 घंटे के भीतर ई हत्याकांड को पर्दाफाश करे और मकान मालिक को गिरफ्तार कर लो। देखिए कल दिनांक 9/3/2023 को अरमान नामक व्यक्ति ने कोतवाली पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी को की संदिग्ध परिस्थितियों में लाश उसके घर में पड़ी हुई है। इस सूचना पे उरई पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की, मेरे द्वारा भी निरीक्षण किया गया घटनास्थल का, तो ज्ञात हुआ कि उस समय घर में उसकी 6 वर्ष की बच्ची मौजूद थी और जिस रात घटना हुई 8 और 9 मार्च 2023 की रात की घटना है, उस दिन उसका भांजा भी अहमद भी जो 17 साल की उम्र थी वो भी मौजूद था, वो छत पे सोया हुआ था। सुबह जब अहमद जगा तो उसने देखा कि उसकी मामी वो मृत अवस्था में पड़ी हुई है, तो इसकी सूचना उसने अरमान को फ़ोन से दी और अरमान एक दिन पहले 8 तारीख को ही रात में कैटरिंग पार्टी के साथ वो पत्तल दोना उठाने का काम करता था, मजदूरी करता था, वो पहुँच गया हुआ था और रात में वहीं था। वो सुबह सूचना प्राप्त करके फौरन अपने घर आया और उसने कोतवाली पुलिस को आके सूचना दी। सूचना के बाद SOG टीम और उदयी पुलिस जांच पड़ताल में लग गई और कल फौती सूचना प्राप्त होने बाद इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कार्रवाई की गई। इसी दौरान पुलिस को लीड मिली कि इसका मकान मालिक वीर सिंह ये गायब है और ये संदिग्ध है। उसको पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर घटना का नावा किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करके उससे पूछताछ की तो उसने घटना को स्वीकार किया। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि वो रात में घर में घुसा था, शराब के नशे में, नशे का आदी है और अपराधी प्रवृत्ति का भी है। वो अंदर जा कर के छेड़छाड़ का कुछ प्रयास कर रहा था, उसने एकाएक चिल्लाने का प्रयास किया तो उसने उसके ऊपर बल प्रयोग किया और वो दीवार से टकराई, फिर बाद में उसने उसके गला दबा करके हत्या कर दी। नशे में कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और इंसान कभी अपनों तो कभी दूसरे को दुश्मन बन जात, ऐसा ही मामला जो सामने आओ है। जालौन से रविकांत दुबे, दीप उंदेली, बौछार के गाने। एकलव्य यूनिवर्सिटी दमोह विल गाइड यू टुवर्ड्स अ ब्राइट फ्यूचर। 28 एकर्स ऑफ लस ग्रीन कैंपस, लार्जेस्ट कैंपस ऑफ बुंदेलखंड, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, 50 फ्यूचर रेडी कोर्सेज थॉट इन 12 डिफरेंट स्कूल्स, सेपरेट कोर्स एंड ग्राउंड फॉर स्पोर्ट, फुली इक्विप्ड लैब एंड वर्कशॉप, सेफ एंड फुली इक्विप्ड सेपरेट हॉस्टल फॉर गर्ल्स।